बांद्रा वर्ली सी लिंक 5.6 किलोमीटर लंबा केबल स्टेट ब्रिज है सदर्न मुंबई में। ये देश का तीसरा और महाराष्ट्र का पहला केबल स्टेट ब्रिज है और ऐसा पहला है जो कि इंडिया की ओपन सीज में बना है। इससे पहले बने दोनों केबल स्टेट ब्रिजेस रिवर्स पर बनाए गए थे, विद्यासागर सेतु हुगली पर और न्यू यमुना ब्रिज यमुना पर। सी लिंक में 8 लेन्स हैं ट्रैफिक के लिए, 4 लेन्स एक डायरेक्शन में। इसके बनने से बांद्रा और वर्ली के बीच ट्रैवल टाइम आधा हो गया है। कोविड से पहले इस पर लगभग 40,000 व्हीकल्स का एवरेज डेली ट्रैफिक होता था। पहले साउथ और वेस्टर्न मुंबई को लिंक करने वाला इकलौता रूट माहिम कॉजवे था, जो कि पीक आवर्स में काफ़ी कंजेस्टेड रहता था। इसको सॉल्व करने के लिए वेस्टर्न फ्रीवे प्रपोज किया गया, जो कि मुंबई की वेस्टर्न कोस्टलाइन पर बनाने का प्लान है। ये वर्सोवा से शुरू होकर बांद्रा, वर्ली और हाजी अली से होते हुए नरीमन पॉइंट तक जाएगा। इसका काफ़ी रूट रिक्लेम्ड लैंड पर बनाया जाएगा और कई जगह ब्रिजेस भी होंगे। इसका पहला फेज बांद्रा वर्ली सी लिंक था। अभी तक सिर्फ यही पार्ट बना है पूरे वेस्टर्न फ्रीवे का। इसकी कंस्ट्रक्शन ईयर 2000 में शुरू हुई थी और 2010 में पूरा रूट खोल दिया गया था। स्टेट गवर्नमेंट की MSRDC ने बनवाया था 1,600 करोड़ रुपये लगाकर। सी लिंक में 2 कैरिजवेज हैं 20 मीटर विड्थ के, जो कि 4 लेन्स का ट्रैफिक हैंडल कर सकते हैं। ये दोनों कैरिजवेज सेपरेट ब्रिज सेक्शंस पर बने हैं। इनके सपोर्ट स्ट्रक्चर्स भी अलग हैं एक दूसरे से, यानी टेक्निकली ये 2 सेपरेट ब्रिजेस हैं 4-4 लेन्स के। बांद्रा वर्ली सी लिंक की टोटल लेंथ 5.6 किलोमीटर्स की है। ये बांद्रा में वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे और स्वामी विवेकानंद रोड के इंटरसेक्शन से शुरू होता है। इधर 1.5 किलोमीटर लंबा एम्बैंकमेंट बनाया गया है रिक्लेम्ड लैंड पर, जिस पर रोड बनाई गई है। इसके एंड में 16 लेन्स का टोल प्लाजा भी है। ये सारा लैंड पहले सी का पार्ट था, इसको रिक्लेम किया गया है सिर्फ इस रोड के लिए। इसके आगे से ब्रिज सेक्शन शुरू होता है, जो कि प्रीकास्ट कंक्रीट बॉक्स गर्डर सेगमेंट से बनाया गया है। 850 मीटर लंबा ब्रिज सेक्शन है, जिसको नीचे पियर सपोर्ट देते हैं। पियर्स के बीच 50 मीटर की दूरी रखी गई है। फिर 500 मीटर लंबा केबल स्टेट सेक्शन शुरू होता है। इसमें 2 ब्रिज स्पैन्स हैं 250 मीटर लंबे। ये लॉन्गेस्ट स्पैन्स हैं पूरे सी लिंक में। इस सेक्शन में 2 टावर्स हैं 128 मीटर लंबे। ये इंडिया में टॉलेस्ट टावर्स हैं किसी भी केबल स्टेट ब्रिज में। इसके आगे 250 मीटर लंबा नॉर्मल ब्रिज सेक्शन आता है पियर्स के साथ। फिर 350 मीटर लंबा केबल स्टेट सेक्शन है वर्ली साइड पर, जिसका सेंट्रल स्पैन 150 मीटर लंबा है। इस पार्ट में 4 टावर्स हैं लगभग 55 मीटर ऊंचे। इधर सेंट्रल स्पैन के अलावा दोनों तरफ नॉर्मल 50 मीटर का स्पैन है पियर्स के साथ। आखिर में 2.1 किलोमीटर लंबा नॉर्मल सेगमेंटल ब्रिज है KAG खान रोड तक वर्ली में। फाउंडेशंस बनाने के लिए 604 रीइंफोर्स्ड कंक्रीट पाइल्स को ग्राउंड में ड्रिल किया गया 6 मीटर से 34 मीटर की गहराई तक। टावर्स की फाउंडेशन के लिए 120 पाइल्स इस्तेमाल की गई 2 मीटर डायामीटर वाली, और पियर्स के लिए 484 पाइल्स 1.5 मीटर डायामीटर वाली। एक पियर के नीचे 4 पाइल्स ड्रिल की गई थी, उसके टॉप पर पाइल कैप को कास्ट किया गया। उसके ऊपर पियर बनाए गए थे जो ब्रिज को सपोर्ट करते हैं। इनको दोनों कैरिजवेज के लिए बनाया गया है हर 50 मीटर की दूरी पर। टोटल 6 टावर्स हैं केबल स्टेट सेक्शंस में। इनमें 2 बड़े टावर्स हैं बांद्रा साइड पर और 4 छोटे टावर्स हैं वर्ली साइड पर। बांद्रा साइड पर 20,000 टन के ब्रिज डेक को हवा में सस्पेंड करने के लिए 264 हाई स्ट्रेंथ स्टील केबल्स इस्तेमाल की गई हैं। इनकी टोटल लेंथ है 2,250 किलोमीटर और इनको सेमी हार्प अरेंजमेंट में लगाया गया है। बांद्रा चैनल के जो 250 मीटर वाले मेन स्पैन्स हैं, वो वर्ल्ड में कंक्रीट डेक का वन ऑफ द लॉन्गेस्ट स्पैन है। ब्रिज के सुपर स्ट्रक्चर्स इंडिया में बनने वाले हेवीएस्ट प्रीकास्ट सेगमेंट्स थे। उनको स्पैन बाय स्पैन मेथड से जोड़ा गया था एक दूसरे से। मेन टावर्स की शेप डायमंड है सामने से और इन्वर्टेड वाई है साइड से। छोटे टावर्स की आई शेप है साइड से और इनकम्प्लीट डायमंड सामने से। इनको कंक्रीट से बनाया गया है कास्ट इन सीटू मेथड से। टावर से केबल डेक को सस्पेंड करके रखती हैं सेमी हार्प अरेंजमेंट में। केबल स्पेसिंग टावर्स पर हर 3 मीटर दूर है और ब्रिज डेक पर हर 6 मीटर दूर। यही अरेंजमेंट छोटे टावर्स पर भी है। वायाडक्ट्स को प्री कास्ट पोस्ट टेंशन सेगमेंटल कंक्रीट स्टील बॉक्स गर्डर सेक्शन से बनाया गया है। एक सेगमेंट का वेट 110 से 140 टन है और उसकी लेंथ है 3 मीटर से 3.2 मीटर के बीच। ब्रिज सेगमेंट्स को स्पैन बाय स्पैन मेथड से जोड़ा गया, यानी एक 50 मीटर के स्पैन में 16 सेगमेंट्स इस्तेमाल हुए। इनको लॉन्चिंग गैंट्री क्रेन से पोजीशन पर लगाया गया और हाई स्ट्रेंथ इपॉक्सी ग्लू और रीबार के साथ आपस में जोड़ा गया। सारे टावर्स को कास्ट इन सीटू मेथड से बनाया गया था। रीइंफोर्स्ड कंक्रीट इस्तेमाल हुआ था, जिसको क्लाइंबिंग फॉर्म मेथड से सेक्शंस में कास्ट किया गया।
केबल स्टेट सेक्शंस को बनाने में बैलेंस्ड कैंटिलीवर मेथड का इस्तेमाल हुआ, जिसमें टावर्स के दोनों साइड्स पर एक एक करके सेगमेंट्स को लगाया गया, फिर केबल से सस्पेंड किया गया ताकि इसका बैलेंस और सपोर्ट बना रहे। बांद्रा चैनल में टोटल 264 केबल्स इस्तेमाल हुए 85 मीटर से लगभग 250 मीटर की लेंथ के बीच। वर्ली चैनल में टोटल 160 केबल्स इस्तेमाल हुए 30 मीटर से लगभग 80 मीटर की लेंथ के बीच। प्रीकास्ट यार्ड को रिक्लेम्ड लैंड पर ही बनाया गया था जहां रोड बननी थी। कास्टिंग के बाद सेगमेंट्स को इधर ही स्टोर किया जाता था, लगभग 2300 सेगमेंट्स को। बांद्रा वर्ली सीलिंग के कुछ क्रिटिसिज्म्स भी थे, जैसे इसको बनाने में 5 साल का डिले हो गया और 300 करोड़ रुपए ओवर बजट चला गया। स्टार्टिंग में 1300 करोड़ रुपए का एस्टिमेट था, मगर एंड में 1600 करोड़ रुपए लगे इसे बनाने में। खुलने के 10 साल बाद भी इस पर डेली एवरेज ट्रैफिक ओरिजिनल एस्टिमेट का सिर्फ 30% ही है। इसके कुछ कारण बताए जाते हैं, जैसे कि हाई टोल प्राइसेस, पेडर रोड पर कंजेशन, और इसके अलावा मुंबई में कई फ्लाईओवर्स बने हैं नॉर्थ साउथ ट्रैफिक के लिए, जैसे 2.6 किलोमीटर लंबा लालबाग फ्लाईओवर। इससे भी सी लिंक की यूटिलाइजेशन कम हुई है। बांद्रा वर्ली सीलिंग से इंस्पायर होकर कई नए प्रोजेक्ट्स बने हैं मुंबई में, जैसे कि 16.8 किलोमीटर लंबा ईस्टर्न फ्रीवे जो 2014 में खुला था। अब ये मुंबई नवी मुंबई रूट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट भी है। इसका ज़्यादातर स्ट्रेच एलिवेटेड है और 500 मीटर लंबी ट्विन टनल्स बनाई गई हैं चेंबूर में। नवी मुंबई के लिए एक नया रूट भी बनाया जा रहा है बांद्रा वर्ली सीलिंग जैसा। ये है 21.8 किलोमीटर लंबा मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक। ये मुंबई के शिवरी से शुरू होगा और नवी मुंबई के चिरले में ख़त्म। इधर नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बनाया जा रहा है और इसे कनेक्ट किया जाएगा इस रोड से। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक को बांद्रा वर्ली सीलिंग से भी कनेक्ट करने का प्लान है। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।